कि तुम्हारी शादी हो गई है राजा तो राजा कहता है अभी नहीं साहब। तो हिरोनिया का बाप फिर पूछता है क्यों राजा? तो राजा कहता है वो क्या है ना साहब, जो चाहा वो अब तक मिली नहीं। हिरोनिया का बाप कहता है कि अरे वाह, तुम लोग भी सपनों की दुनिया में खोए रहते हो, जैसे कोई सपनों की राजकुमारी आने वाली है। राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा कहता है क्या बात करते हैं साहब, आएगी हमारे भी सपनों की राजकुमारी आएगी। भैया भैया घरे जल्दी चला, बाबू जी गुस्सा बने, लड़की देखे जाए के बा। अरे बाप रे बाप, हम तो भुलाइएगा नहीं बजरंगी चाचा। हाँ। आगे की कहानी हम बाद में सुनाई, अभी हमके जाए के बाप अपना सपना की रानी खोजे। हाँ? हाँ। चल 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 चल, चल, चल। ए, आगे की कहानी तू सुना। हमका कुछ न मालूम बागबुरी, हमरा 17 गो लइका में सबसे लायक निडवे बाटे, बाकी सब नालायक बाड़ा सन। डन बैठे कर चल। अरे रुक का भइल भाऊजी, अब भाग बेहुदा कही का। 10 बजे वहां पहुंचे के रहल, 10:30 बज गइल, अब अहिले ओकनी के कोनो पता नहीं के। अरे बेचन, हां बाबूजी के पारा तो बहुत गर्म बुझाता रे, कब से तैयार होके तुहार इंतजार करत बाड़े। हे भाई, हां उनका सामने तैयार होके गए ले में भलाई बा। हां चल हेनेस चले के चल। हां चला तनी और रगड़ रगड़ के नहुआ बा। अरे देवर जी, का भौजी भैया के बड़ा रगड़ रगड़ के नहुआ बतारू। हां काहे आज तक तू हो देवरानी जी के देखे जाता रा, चिंता मत करी, जब वो आई ना ऐसा ही दौरा के रगड़ रगड़ के नहवाई। ये नहीं रहू, जा तू जल्दी तैयार हो जा, जा, जा। हाँ भैया चलो। आई हो दादा। कहो चाचा, जब सब लोग लड़की देखे जाले तब क्रीम और पाउडर लगा के जाले, तू इसे गोबर लगा के जाइबा तो चाची ना आई। बेटा जब तोर चाची आई तो तू देखते रह जे। भैया कहा भैया, तू ऐसे ही देर कर बात न पप्पुआ के चाची मिलिए न हमरा के भौजी। अरे बहनी तू चिंता मत कर, गोबर पे गिरल बानी जतरा सुब बा। रे पप्पू चल लागत आज सपना की रानी मिली, चल बेटा। और सुना, लड़की वालन के सामने ढेर हसिया मत, ठीक ना? और बेर बेर मुंह भी मत खोलिया। ना मुंह खोलो। हे माई एक बात बता। पूछा लड़किया वैसा नहीं का जैसा हम सोचीला। देख ले तो नहीं की, लेकिन वैसे नहीं हुई जैसा तू सोचीला। तब हमके आशीर्वाद दे माई, अब ब्याह के तैयारी कर। देखी है तुर निरहु ससुरारी हिला के आई है। धार तेज बा न? बहुत तेज बा बबुल भैया। अरे यह बात तो ते पिछला बेर भी कहले रहले, लेकिन वो तलवार से एगो मुर्गियों ना कटाइल। चिंता मत करी, यह बार बरगद भी कट जाई। पक्का? गारंटी। आज माँ के देख ली? जरूर। सही कहा ले, अरे तलवार में बहुत धार बा है। चल ठीक है, जो डॉक्टर के दिखा लिए, पट्टी उट्टी हो जाए। वो लड़कियां इनकर का लगे ले बाबूजी? साली लगेली सपना देखनी सीरी देवी के, और लगा तो ब्याह हुई फूलन देवी से। चुप का हो बबलू। अरे गोड़ लगा तो नहीं चच्चा। अरे खुश रहा, खुश का हो नहीं रहू। अरे आवा लोगों आवा आवा बैठा। हाँ चला चला। बैठी। अरे
तो बैठा ना। बैठे ये हमार ससुर बाड़ा चच्चा। अच्छा अच्छा, जोखू यादव इन्हीं का बिटिया बा, हमार साली लागी। अच्छा अच्छा, ये हमार बड़ लड़का लाखन स्कूल में मास्टर भरन, ये हमार छोट लड़का बेचन स्कूल में चपरासी बा, और हमार नन्हा मुन्ना पोता इनकरे लड़का बा, ब्याह हमरा निरहू के करे के बा। अरे ब्याह का कहा चच्चा, एकदम एक नंबर लड़की बिया, निरहू के देखते पसंद आ जाए। चाची ना, ये तो हमार माई के माई लगातारी। ये तो कढ़ाइयों से भी करिया लगाती है। सेहत से तो लगा ताकि खाए के बड़ा शौकीन बाड़ी। हाँ रख दा रख। का चच्चा कैसा लागल लड़की? निरहु बेटा कैसा लागल? लड़की बहुत बढ़िया बा। बढ़िया बा? हाँ बहुत बढ़िया बा। तोहरा के वही लड़की में कौनो खोट ना दिखाई देहलास? खोट? कैसन खोट? इतना सुंदर तो रहे लड़की। सुंदर रहे? हाँ का न लाखन भैया, दुनिया के हर लड़की सुंदर हो। कहे कि हर लड़की एक दिन माई बने ली, और माई से सुंदर है दुनिया में के हो सकता है। अरे का बात बा, कितना बढ़िया विचार बा निरहु का ये चच्चा है। ता शादी पक्का समझी ना? अरे हमारा तरफ से बिल्कुल पक्का। का पक्का बा? हम शादी ना करब। ए निरहु, एक बात समझ ले, हमरा के ना सुने का आदत नहीं खे। अरे आप तो गुस्सा हो गए नी, आपके साली में कोनो कमी नहीं खे। सुनी ना, उका ना कि हम भी आकर अब अपने सपना के रानी से, और ये हमरे सपना के रानी नहीं की। अरे ढेर नौटंकी मत कर, नहीं तो सारे शादी से पहला ही सरात कर दे तोर। अब देखा हद पार मत कर, ना तो अपने दरवाजा पे पिटाईबा गांव भर थूकी मरदबा। जाए दा बबलू, इस साला सपना के रानी के चक्कर में पागल हो गई बा। अरे ते पगलेट के कौनो पगलिया मिली है चच्चा, सपना के रानी ना। और मिल गई तब? ते बाबू अगर मिल गई ना तो पूरा गांव में साला आधा मोज कटवा के घूमब। हाँ तो तू घूमने खातिर तैयार रह, कहे कि हम तो अपन सपना के रानी लिया के रह। नाव निरहुआ, सपना सलमान खान की पगलेट साला। अरे का भेल रउवा लोग के लेके पसंद आ गेल? अरे का पसंद आई बाबाजी का बेल, बाप के नाम सागपत और बेटा के नाम परोरदास, आज झगड़ा होके से बचल है एकरा सपना के रानी का चक्कर में। हां तो का करी हम, केहू के अपना गला के घंटी बना के बांध ली। एक बात जान ले लो, हम भी आ तबे करब जब हमरा सपना के रानी मिली। अरे तई तो हमरा समझे में नहीं आवत कि तोर सपना के रानी होई कैसे। अरे ऐश्वर्या राय जैसन होई माई? ना ऐश्वर्या राय जैसन ना, तो करीना कपूर जैसन होई? ना करीना कपूर जैसन भी ना। अरे तो कैसन होई बतावा ना। तो सुन माई, वो ऐसन होई है ना कि जब वो पाँव में पायल पहन के हिरनी मतिन चली है, तो हमरे करेजा का तार जन जन आ जाए। वो ऐसन पवित्र हुई है, ऐसन पवित्र हुई है, ऐसन पवित्र हुई है बाबूजी, कि वो पानी बिछ हुई है ना तो गंगा जल बन जाए। और जब वो बोली है तो लागी की कोयल कुहकती है। यू रास्कल, ठीक कहत रहे बबलू यादव कि तोहरा ई जन्म में सपना के रानी ना मिल सकली। एक बात कान खोल के सुन ले, तोहार शादी होई हमरा पसंद के लड़की से होई, अगर तू ना कहले तो हम तुहार दोनों टाक तोड़ दे। अपने पसंद से करे के बात अपने कल। हम कली का चाचा परेशान लगता रहा? परेशान नहीं खीरे, सोचा था नहीं कि हमार सपना के रानी मिली कहाँ। हमके लगाता कि तुहार सपना के रानी मुंबई में मिली। मुंबई में मिली? ऐसन काहे लगातार? मुंबई के तो सपना के नगरी कहल जाला, तो सपना के नगरी में सपना के रानी ना मिली तो कहाँ मिली। सही कहता रे यार, हमरो के लगाता कि अब हमार सपना के रानी मुंबई में मिली। ए लाखन। हाँ बाबूजी। निरहुआ के बुला लिया, ट्रैक्टर निकाले के बा। हाँ चाचा घर में नहीं खे। कहाँ चल गए रे? मुंबई। कहाँ मजाक करता रे? मजाक ना बाबा, चाचा सही में मुंबई चल गए ले अपना सपना के रानी खोजे खाती।
मंजिल जाने कहाँ भेटाई। एकदम सही जगह आइल बाड़ा बेटा नीरो। अरे नालायक, बिना बतौले तू बंबई निकल गई ले। अच्छा, जैसे बतौती तो तू आवे देता। एक बात कान खोल के सुन ले, जल्दी से जल्दी घर वापस आ जा, ना तो सही ना हो कि। अच्छा तो सही गलत छोड़ी पप्पूआ के फोन दी। ए पप्पू। हाँ बाबा। हे ले आवा। इले तोहर चाचा के फोन बा। हाँ चाचा, कैसन बा मुंबई? अरे एकदम सही रे, भरमार लगल बा यहाँ। लेकिन एक के बात के डर बा बेटा, अब पता न कबले यहाँ ठोकर खाए के पड़ी। डरे के जरूरत नहीं खे चाचा, मुंबई में ठोकर खाए वाला ही ठाकुर बनेला। अरे पपुआ, लागत मिल गई रे। का चाचा? अरे हमारा सपना के रानी रख बेटा। ओए इधर आओ। अरे तुम ही से कह रही हूँ, इधर आओ। देख क्या रहे, उठाओ। उठाई हम? हाँ तो और कौन, जल्दी उठाओ। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ओह गॉड, मुझे नहीं उस बोनेट को उठाना है, स्टूपिड, नीचे उतारो मुझे। ओह शिट, ब्लडी इडियट। नाउ व्हाट आर यू लुकिंग एट मी फॉर, गेट लॉस्ट। अंग्रेजी बोल लेती है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इडियट। या शेर चपले हवा तो चपले रहा खूब। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। Are you crazy? देहाती गवार कहीं का। जिया शेर खूब चपला है। हाँ हो चपनी तो ऐसे झेड ले, बाकी तबो गवार कलसिया। गवार तोरे अंग्रेजिया पना, ई तोरे डरेसवा पर कलसिया। अच्छा? हाँ, ई डिजाइनर कपड़ा पहिरा वाली है सुकुल मर्दवा, ई गमछा वालन के बेकूफ समझेली सा। गमछा वालन के बेकूफ समझेली सा? हाँ। हाँ तो तू देखा कि कैसे ही गमछा इनका डिजाइनर कपड़ा के चांपेला। जिया भोजपुरिया जवान चांपा।
चुप साले, झूठ बोलता है, पत्थर से लोगों का सिर तोड़ता है, मर्डर करता है, चड्डी गैंग का आदमी है तू। अरे हम कौन चड्डी वड्डी गैंग के नहीं की जान, अरे हम कुछ नहीं की गई ले। आने चल बेटा, वहाँ तू सब बताएगा कि तूने और कितने मर्डर किए, ले चलो इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए। बाप रे, जौना के हम अपना जिला जवार का आदमी समझ के रखली घर में, उस सरवा चड्डी गैंग का आदमी निकला। गोल लगाता नहीं चच्चा। खुश रहा बबलू, का खबर बा? बधाई देवे आइल बानी। बधाई? अरे राउर बेटा निरहुआ तो टीवी पे छा गइल बा। हो निरहुआ टीवी पे छा गइल बा? हां, ओ दिने हमरा घर पे आके हमार बेइज्जती कइलस, और जवन कांडू मुंबई में कइले बाना मन त करत ओइजा जाके सारे के तेज जूता लगाई। जवान संभाल के बात कर, न त ये पूर हड्डी बे अब अहियो इतना ताकत बा कि तोहरे जैसा जवान के माटी चटा सकीला। अरे तो बचा के रखा चच्चा ताकत, जब जमीन के पेपर पे दस्तखत करे के पड़ी ना बेचे खातिर, तब कामे आई। का है तोरा बहिन के दहेजे में घटल बा का? ना, तोरा बेटा के बचावे में खर्चा करे के पड़ी। एक दूगो ना है चच्चा, 11 कितना 11 को मर्डर कैले बाद निरहुआ मुंबई में। खाओ अटक गेल सास लटाई में, बड़ा घमंड रहे बेटवा पे। अरे अगर हमरा बाती पे विश्वास नहीं खे ना, तो जाके देख ला टीवी पे। चड्डी पहनकर पत्थर से सर कुचलने वाला चड्डी गैंग का कुख्यात हत्यारा गिरफ्तार। इस हत्यारे ने एक दो नहीं पूरे 11 मासूम लोगों का कत्ल किया है। इस साइको किलर का नाम है निरहु। बताया जा रहा है कि ये साइको किलर यूपी के गाजीपुर इलाके का निवासी है। हम क्यों के खून नहीं की गई ले? अरे हम तो खाली पत्थर हटावत रही, मार के भागे वाला मार के भाग गए, और ये लोग हमके पकड़ ले बा। इस ससुरा सपना की रानी के चक्कर में पगला गए भाई। चुप रही, हमार बेटा ऐसा कर ही नहीं कह सकत, कबो नहीं खे कर सकत, ये झूठा। ये सच है मिलोन, इसी खतरनाक मुजरिम ने 11 लोगों की निर्मम हत्या की है, और अब ये रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। 4 दिसंबर को मोहनलाल नाम के जिस व्यक्ति की इसने पत्थर मारकर हत्या की, उसके एक नहीं कई चश्मदीद गवाह हैं। चड्डी पहनकर लोगों का कत्ल करने वाला यह शख्स उसी चड्डी गैंग का आदमी है। मौका है वारदात पर इसे उसी चड्डी में गिरफ्तार किया गया है। हमारा तो समझे में नहीं आवत कि हमारा चड्डी में ऐसा का बाजो रो, हमारा चड्डी के पीछे पड़ल बानी। अगर हम चड्डी ना पहनती तो हम बच जाती। ऑर्डर ऑर्डर। देखा जज साहब कितना बदतमीज पागल और सनकी मुजरिम है। अरे हम कितना बार कही कि हम मुजरिम नहीं की, और रहल बात चड्डी के, तो जज साहब हम तो चड्डी बचपने से पहनी ले। अच्छा आप बताए, आप चड्डी ना पहने नी? हाँ पहनता हूँ। अच्छा वकील साहब आप बताए, का आप चड्डी नहीं की पहन ले? गीली थी आज, नहीं पहनी। अरे आपसे तो बातें कर बेकार बा। अच्छा आप लोग बताए, आप लोग चड्डी पहने नी की ना? जज साहब चड्डी तो हमू पहनी ला, ए बता ना। हाँ हाँ जज साहब चड्डी तो हमू पहन ले बानी। देखी जज साहब ये सब लोग चड्डी पहने ला, तो एक मतलब का सब लोग चड्डी गैंग के आदमी बा। ये आदमी अपनी बातों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से कत्ल करते हुए देखा है। मैं उन्हें अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है जज साहब? ये वो आदमी कत्ल कर जिसे अपने आंख से हम देख ले बानी। यही है वो आदमी जिसे मैंने कत्ल करते हुए देखा है सर। जज साहब मेरी माता डोरिया ने पाला याद मानसानी खून के लाए। 20 फरवरी, 28 मार्च, 12 अप्रैल। वकील साहब आज फैसला हो जाए? अरे हाँ हाँ फैसला हो जाएगा, जाके बैठो, जज साहब फैसला सुना देंगे। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयानात तथा अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम निरहु कुमार यादव वल्द विशंबर यादव ग्राम टड़वा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसी ने 11 आदमियों का बेरहमी से कत्ल किया है। लिहाजा ये अदालत मुजरिम निरहु कुमार यादव को इंडियन पीनल कोड के दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। जज साहब हमार बेटा खूनी रखे, हमार बेटा खूनी रखे, हमार बेटा ये दोस्त भाई 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 भाई
के जो ठहरा खेला मन सपना सजाई के कबो देले उ हसाई कबो देले उ रोआई जवन लिखल करम में भाई केहू कैसे वो के मिटाई। आ गई बेटी। पापा आप अभी तक सोए नहीं? जिसकी जवान बेटी इतनी रात को वो भी लड़खड़ाते हुए घर आए, उस बाप को नींद कैसे आएगी बेटा? डोंट वरी डैडी, आपकी बेटी के पांव इतने मजबूत है कि लड़खड़ा तो सकते हैं लेकिन कभी गिरेंगे नहीं। बेटी अपने इस बीमार बाप पे थोड़ा रहम कर, शादी करके अपना घर बसा ले ताकि मैं चैन से मर तो सकूं। मैं शादी क्यों करूं? किस चीज की कमी है मेरे पास? मेरे पास जीने के लिए आपके करोड़ों की दौलत ही काफी है। मेरी बात से अगर इनकार करोगी तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आप समझते क्यों नहीं है डैडी, रोज रोज बस एक ही जिद, शादी कर लो शादी कर लो। क्यों करूं मैं शादी? किसी मर्द के पैर की जूती बनने के लिए, उसका खाना बनाने के लिए, उसके बच्चे पैदा करने के लिए? आई एम सॉरी डैडी, मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी। मुझे नफरत है शादी के सिस्टम से। ये सिस्टम नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि एक औरत की जिंदगी तब तक सार्थक नहीं होती है जब तक कि वो मां नहीं बन जाती। और ये तुम्हारे शराबी कबाबी दोस्त जिन पर तुम पैसे लुटाती हो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है बेटा, तुम्हारे पैसों पर अय्याशी करने वाले चमचे हैं। मेरी एक बात याद रखना बेटा कि जिंदगी में एक अच्छे पति से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। मैंने कह दिया ना, इस जन्म में तो मैं शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। गुड नाइट। गोविंद जी। भैया आखिर कब मेरी बात मानेगी? आप चिंता मत करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाय जानेमान। हाय सोना। हाय। लुकिंग हॉट बैब। बहुत बिगड़ गए हो टोनी। ये जवानी देखकर जिसकी नीयत ना बिगड़े वो भी साला कोई मर्द है। वेट आई एम कमिंग। क्या हंसती है साली। हंसती है लेकिन तुमसे फंसती नहीं है टोनी। मुन्ने ये मामूली चिड़िया नहीं है, करोड़पति बाप की सोने की चिड़िया है। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन टोनी के जाल से बच नहीं सकती, और एक बार मेरे शिकंजे में आई ना फिर देखना कैसे इसकी दौलत पर कुंडली मार के बैठता हूं। कम ऑन डार्लिंग। टोनी तुम्हारी यही हरकतें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सोना 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 मैं स्वीट हार्ट, तुम तो जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ, और तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्तों से ज्यादा कुछ नहीं समझे? मैडम आपके पापा को हार्ट अटैक आ गया। ओह गॉड, अब वो कैसे? अब वो नहीं रहे। पापा पापा आई एम सो सॉरी पापा, मैं आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। I'm sorry. Arrange food and drinks for more than 40 people, ठीक है? और खाना अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल कमी नहीं है। I'm sorry. Hi चाचा जी। Hi बेटा जी। क्या चाचा जी आपको आजकल कुछ याद ही नहीं रहता? क्या बेटा जी? आज मेरा बर्थडे है। Oh, I am sorry. Many many happy returns of the day. Thank you. लेकिन सिर्फ हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, आज पार्टी करनी है। सॉरी बेटा जी, जब तक तुम शादी नहीं कर लेती मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। मजाक मत कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा जी। मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने एक वसीयत की थी, उसमें लिखा है जब तक तुम शादी नहीं कर लेती उनकी प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक भी पैसा न दिया जाए। आई डोंट बिलीव दिस, डैडी ऐसा कर ही नहीं सकते। ये रही तुम्हारे पिताजी के वसीयत की कॉपी। मैं इस वसीयत को नहीं मानती। इसे फाड़ने से क्या होगा बेटा जी, असली वसीयत नामा तो हमारे वकील के पास है। बाय। चाचा जी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। बेटा जी मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर आप मेरे चाचा नहीं होते ना तो अभी क्या, अभी आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। भैया को मरते वक्त अगर मैंने वादा नहीं किया होता ना
कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा तो मैं भी इस पैसे को लात मार के चला जाता हूँ। हेलो सोना, पार्टी कहाँ है? अरे भाड़ में गई तेरी पार्टी। एक खतरनाक हत्यारा जिसने बड़ी बेरहमी लोगों का कत्ल किया है, अब वो मरने से पहले शादी करना चाहता है। निरहु कुमार यादव, जिसे 11 लोगों का कत्ल करने के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या आप लोग जानते हैं कि उसका सपना क्या है? उसका सपना है शादी करना। ना वो हम शादी के सपना लेके सपना की नगरी में आयल रानी, शादी तो भइल ना और हम पहुंच गए नहीं जेल में। अब भैया हमारा सपना तो सपने रह गए। इस आदमी को कहीं देखा है लेकिन कहां? हाँ, एबीसीडी वाला। नमस्ते साहब। तुम जानना चाहते थे ना कि कौन सी लड़की है जो तुमसे शादी करना चाहती है? हाँ। ये है वो लड़की। अरे तू है, तुम इसे जानते हो? अरे साहब बहुत चालू लड़की भी आई और घमंड इतना कि एकर माई बाप एकरा के कुछ सिखौल नहीं के। इसका मतलब तुम इससे शादी नहीं करोगे? पहले एगो बात बतावा, तू हमारा से कहे शादी कर चाहता रू? अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा, वो दिनवा जब गोदी में उठेले रहनी तो गधा लगत रहनी और अब फांसी पे लटके वाला बानी तो सलमान खान बुझाता नहीं। अरे तुमने कारनामा ही ऐसा किया कि सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया। अब सोचो अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मेरा भी कितना नाम हो जाएगा, है ना? नाम कुछ ना हो, ब्याह होते तू राण हो जेबू। राण? व्हाट? अरे मतलब विधवा हो जेबू। अरे वही तो मैं होना चाहती हूँ। देखा था निजाबे कर, लेकिन कुल सुहागिन उखल चाहनी और राण उखल चाहती है। अब मेरा मतलब किसी नामर्द की सुहागन होने से अच्छा है किसी मर्द की विधवा बन के जीऊं, है ना? दरअसल जोड़ा कारनामा खातिर तू हमारा मौरत बुझा तारू वो हम कहले ही नहीं की, उस साला कोनो और कहले बा। लेकिन वैसे अगर पहला मुलाकात में तू हमारा दिल के आवाज सुन ले ले रहतू तबले तो तू हमारा लड़का के मोई बन गए रहतू। पहले ये बोलो तुम इससे शादी करोगे या नहीं? साहब सुन ले मानी कि शादी के लड्डू जे खाला वो पछताला आ जे ना खाला वो पछताला। हम ही लड्डू खा के पछताए चाहता नहीं, हमारा के शादी मंजूर बा। Thank you.
थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेट्स। भाई बाबूजी। बाबूजी। का भेल रे? नीरव भैया ब्याह कहीं ले ले। तोहरा कैसे मालूम बा? अभी अभी टीवी पर न्यूज देखनी है। हे भगवान, लड़की कोने जात की बिया? अरे बेटा फांसी पे चढ़े जा रहल बा, आ तोहरा जात पात के परल बा। चाय दी माई, धन्यवाद तोहे लड़की के जौन बियाह कह के बाढ़ के दाग निरहु के दामन से छोड़ा देलस। चाचा जी। अरे क्या बात है बेटा जी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप भी उछल पड़ेंगे। अरे जल्दी बताओ बेटा जी, मैं भी उछलना चाहता हूँ। मैंने शादी कर ली है। मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे यकीन नहीं हो रहा, ये देखिए फोटोग्राफ्स। ये कौन है? ये एक सीरियल किलर है। अरे आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा? मैरिज सर्टिफिकेट भी लाई हूँ। तुमने सही में शादी कर ली बेटा जी? यस चाचा जी, और आज से 9 दिन बाद उस आदमी को फांसी हो जाएगी। और फिर मैं शादी के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। और शादी करने के बाद भी मैं कुंवारी ही रहूंगी चाचा जी। कैसा लगा मेरा प्लान? क्या दिमाग लगाया है बेटा जी। तो अब डैडी के वसीयत के अनुसार इस पूरी प्रॉपर्टी की मैं अकेली मालकिन हूँ। तो फटाक से एकदम जल्दी जल्दी मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। 10 लाख रुपए क्यों बेटा जी? क्योंकि मुझे रान पार्टी मनानी है। रान पार्टी? अरे यार, जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसका सिंदूर धोकर, उसकी चूड़ियां तोड़कर, उसे सफेद साड़ी पहनाकर विधवा यानी कि रान बनाया जाता है। वैसे ही जब उस बेचारे को फांसी लग रही होगी, उसी वक्त हम उसके मरने की खुशी में एक आलीशान पार्टी करेंगे जिसका नाम होगा रान पार्टी। यस। कमाल है, हुबू ऐसा ही है। हाँ सर, शक्ल एकदम मिलती जुलती है। आओ, कहीं उस बेगुनाह निरहुआ को फांसी हो गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। पर सर, कल कोर्ट की छुट्टी है, कल सुबह ठीक 12 बजे उसे फांसी दे दी जाएगी। सोना डार्लिंग मुबारक हो, आज तो तुम विधवा बनने वाली हो। विधवा नहीं रे, वो क्या कहते हैं, रान बनने वाली है। रान। अरे ये तो बताओ, रान कितने बजे बनोगी? उसे एग्जैक्टली 12 बजे फांसी लगने वाली है। अभी कितना बज रहा है? डार्लिंग अभी तो 11 बजे हैं। निरव कुमार यादव, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? साहब भी आत करवा देनी, अब सुहाग रातों करवा देती तो मोरे में आसानी रही। रुको, सर ये कोर्ट का आदेश है। क्या क्यूट लग रही है डियर, क्या क्यूट लग रही है। खोल दो। जय बजरंगबली, हम तो पहले ही कातरानी कि हम कुछ नहीं की कहले। जाओ मनाओ सुहागरात। कैसे हो अब? बढ़िया साहब। समय पर असली मुजरिम पकड़ा गया, इसलिए तुम बच गए। जी। बेवजह जो तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए हमें दुख है। कोर्ट के आदेश के अनुसार तुम्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। ये रहा तुम्हारा चेक। धन्यवाद। अब तुम आजाद हो, अब कहाँ जाने का इरादा है?
और कहाँ जाए साहब, अपने मेहरारू के लगे। वो साधारण औरत नहीं के साहब, साक्षात देवी भी है। अरे ओकरे पुन प्रताप से तो हम बच गए नहीं। हे सोना, हम आ गए नहीं। चाचा साक्षात देवी भी है हमार मेहरारू। हाँ? हमरा बचला के खुशी में पार्टी मनावती है। देखो ना, चलो कहाँ रुकेला। अच्छा ना नचबो लोग, तुम तो अन्य लोग के भोजपुरिया डिस्को देखा होता नहीं। अरे भाई क्यों जीना जवार के भाई यहाँ हो। विज्ञान इसी तरह बढ़ता रहा तो सरसों को फुला फुला के अंडा बना दिया जाएगा, और सैंडल की ऊंचाई इसी तरह बढ़ती रही मैडम तो हर सैंडल के नीचे डंडा लगा दिया जाएगा। रई 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 हई रई 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 रई। अरे तरे सौ साल जी हो गोरिया मर गई। अरे दादा हो मोर तार दुसु मोर। यही तरे सौ साल जी हो हमर गोरिया जी हो तो दिल हो मोरो के जी हो तो नहीं हमरों के।
जी हो तो तनी हमरो के दिहा ये गोरिया जी हो तो तनी इनको के दिहा ये गोरिया जी हो तो तनी इनको के तेही तरे सौ साल जी हो ये गोरिया तेही तरे सौ साल जी हो ये गोरिया जी हो तो तनी हमरो के जी हो तो तनी हमरो के दिहा ये गोरिया जी हो तो तनी इनको के अरे तुम्हें तो फांसी होने वाली थी, तुम बच कैसे गए? तोरे वजह से, तू साक्षात देवी बाड़ू। जब से तुझे बियाह भइल ना, हमार सब घराना छत्र कट गई। जो नसली अपराधी रे उ साला पकड़ा गई और तुहार पति तोरा सामने बा। पति? तुम जैसे जाहिल गवार को मैं अपना पति तो क्या इस घर का नौकर भी नहीं बनाऊंगी। का तो जेल में जो हमारा साथ साथ फेरा ले रहलू उ सब नाटक रहे? हाँ सब नाटक था। अरे मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे डैड ने मरने से पहले एक वसीयत बनाई थी जिसमें लिखा था कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो उनकी दौलत में से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की, ताकि तुम्हें फांसी लगे तुम मर जाओ और मैं आजाद हो जाऊँ। लेकिन तुम तो बच गए और यहाँ मेरा सर खा रहे हो। इसलिए फटाफट फटाफट अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ मेरे घर से। हाँ तो दफा ना खत का तुर मुंह देखा। अरे हम तोरा के सती समझनी और ते तो डायन निकल ले। तोरा जैसे मेहरारू के तो मुंह देखल पापा। अगर तोरा के हमार मुंह नहीं देखे के ना तो हमरो के तोर मुंह नहीं देखे के। तो खड़े खड़े मुंह देख क्यों रहे हो, निकलो ना। हाँ तो चिल्लात का बढ़ जाता नहीं ना। अरे कहाँ चल दिए रामपुर के लक्ष्मण? हम यहाँ सीता के तलाश में आये रही, लेकिन तुहार भतीजी पूरा सुपना खा भी एक मिनट नहीं खेरा ओकरा साथ हमके। अरे मैंने तो सुना था कि गांव के लोग बड़े जवान मर्द होते हैं, अपनी औरत की नकेल को ऐसा कस के रखते हैं कि उसकी इजाजत के बिना वो हिल भी नहीं सकती। तुम कैसे मर्द हो यार? अच्छा अच्छा मर्दानगी मत नहीं आ रहा, मौका मिलल रही इतना ताजे दिखा दे रहती कि मर्दानगी के मतलब का होला। अरे तो देर किस बात की है बेटा, जाओ अपनी बेलगाम औरत की लगाम कसो, तब मैं समझूंगा कि तुम मर्द के बच्चे हो। का लगाम लगाई? का लगाम लगाई ओके जो शादी भी धोखा के बुनियाद पे के लिए भी आ। लेकिन बेटा वो बुनियाद कानून के सिकंजे में ऐसे कसा हुआ है कि वो चाह कर भी नहीं निकल सकती। वो कैसे? वो ऐसे कि जेलर के सामने तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी शादी के सारे सर्टिफिकेट मेरे पास हैं, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। अरे कानूनन वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम जो चाहे उसका कर सकते हो। अच्छा है? 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 तब देखा चाचा देखा ये भोजपुरिया जवान के खेल कैसे निकाला था नींद करते है? 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 मैडम 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 चाय। वो नमूना यहाँ से गया कि नहीं? नहीं मैडम वो तो मजे से खा पी रहा है। इसकी तुम्हें अरे तुम्हारे बाप का घर है क्या जो इतना मजे में खा रहे हो? बाप के नहीं के ससुर जी के, दहेज समझ के खाता नहीं, तोरा कोनो दिक्कत? भिखारी कहीं के, तुम खुद यहाँ से निकलते हो या मैं तुम्हें घसीट के बाहर निकलवाऊं? अरे केकरा से बात कर दिया रे, पति परमेश्वर से ऐसे बात कर जाला? देख अभी जवान संभाल के बात करना था, कान के नीचे जवान लपड़ मारब की आंख निकल के नाचे लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ जरूरत पड़ी तो लथेबो कर। ई कौन बुला रहे उठे के? है काल से अगर सवेरे सवेरे उठ के आई कुल झाड़ू पोछा ना भइल ना तब हम तोके बताएब कि मरद और मेहरारू में अंतर का होला। रामू लोचन, रामू लोचन! मैडम अभी के अभी इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। बेटा इनकर मरद होके के नाते अब घर के मालिक हम बानी, अब ऑर्डर इनकर ना हमार चली, हमारा के निकाले बोलो तो नहीं लोग के निकाल दे। नहीं मालिक। अरे नहीं। हाँ अब तू मुँह का देखा तारी रे, हाँ जो हमारा खातिर पानी लेके आओ। पानी? मैं तो तुम्हें जहर दूंगी। जहर दूंगी? जो उन देवे के बाद तो उन देते नहीं के। नाराज हो गए लोग, सुनो ना दिन भर लड़ाई हुई तो हमनी के प्यार मोहब्बत कब करे के, वैसा रात के तब प्यार के हमनी के खेला खेलिए ना पहुंच जा। चला दा अभी प्यार के लड़ाई लड़ल जा। ओ शिट। सोना सुहाग रात तो सभी मनावला, हमनी के सुहाग दिन मनावल जा। चलो ना चाचा जी। हाँ जी इस बात
बदतमीज आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाली। अरे नहीं नहीं बेटा जी, अपने पति को बदतमीज नहीं कहते, उससे शराफत से पेश आते हैं। पति माय फुट, और मुझे तो लगता है आप भी इससे मिले हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं इस शहर का सबसे बड़ा वकील करूंगी और चुटकियों में तलाक देके इसे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी, देखना। अरे नहीं नहीं बेटा जी, ऐसी गलती जिंदगी में मत करना, क्योंकि तुम चाहकर भी तलाक नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उस दिन तुमने अपने पिता की वसीयत को बगैर पढ़े फाड़ दिया था। उस वसीयत में साफ साफ लिखा है, अगर तुम अपने पति को तलाक दोगी तो ये पूरी जायदाद तुम्हारे पति की हो जाएगी, यानी इसकी हो जाएगी। ओह नो। ओह यस बेटा जी। हाँ, एक शर्त पे ये पूरी दौलत तुम्हारे नाम पे हो सकती है, अगर ये तुम्हें तलाक दे दी। तुम तलाक दोगे बेटा ना? इतना मुश्किल से तो इतना गोच बाल भी ललबा हम ये जन्म पे का सात जन्म में छोड़े वाला नहीं की। तुम्हें तो मैं आजा। ये क्या है बेटा जी? तो क्या, हमार कसम कुछ ना पूछबा, चुपचाप रखा। हाँ। डार्लिंग, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? वो सरदर्द बन गया है यार, अगर वो यहाँ से जल्दी नहीं जाएगा ना तो मैं पूरी तरह पागल हो जाऊंगी। नहीं सुनो डार्लिंग, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, दुनिया में तुम ही तो एक सहारा बचे हो मेरे। प्लीज कुछ भी करो, कैसे भी उसे यहाँ से भगाओ। बस तुम देखती जाओ, उसका तो मैं वो हल करूंगा कि वो तुम्हारी घर की तरफ मुड़कर देखेगा भी नहीं। ए, अंदर कैसे घुस गए? निरहुआ का क्या? ए, कहां निरहुआ? अरे मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगा, जाओ ढूंढो। कहां रे गौटी? ए साला अनर, बानर लिखा है ने उन्हें का देखा था रे, हम यहां बानी। अरे उसका मुंह क्या देख रहे हो, जाओ मारो। चलो मार इसको। अबे सालो, तुम लोग जयकारा लगाने आए हो, मारो ना। रुका, तू हमरा से पीछा छोड़ावे खातिर एक निक बोले बाड़ू, तो तारा मालूम है नहीं के कि हम एगो हिंदुस्तानी पति हैं, और हिंदुस्तानी पति एक बार हाथ पकड़ लेलस तब फिर जीवन भर छोड़े ला ना। अबे सालो देख क्या रहे हो, मारो ना यार, मारो ना, पकड़ लो। अरे गधो, मुझे नहीं उसे पकड़ो। Para
सुना? मैंने सुना? Shut up! अरे सुना, shut up तब न जब नेरे इबू तनियावत देह दबा दा हमार जान। What an idiot! अरे गुंडन के मार मार के देह में दर्द हो गई, तनी दबा दे बता का हो जाई। अरे गुंडों को तुमने कहा? गुंडों को तो मैंने मारा है, मेरे गुंडों को मुझसे ही पिटवा दिया, तुम्हें तो मैं। अरे अब क्या है? पानी गरम कर, हमारा नहाए के बाद। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए पानी गरम करूँ? खचड़ी मेहरारू से दिल लगावे के बातें अलग है, मत गरमा, हम ठंडा पानी से नहा ले। ओमे कब बात चाचा, असली मजा तहरे बा, बुढ़ौती में विदेशी बाल चापा तारा। तुम भी पीते हो क्या बेटा? ना चाचा, पूरा जिला जवार में केहू माई के लाल नहीं के कह सकत कि निरहु कुमार यादव कबो एक रुपया के भी दारू खरीद के पियले हो खस। हम क्यों पिया देला तो पी लेनी। अरे तो तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी बेटा। तो जवाबा चाचा। तो कौन सी पियोगे बेटा, ये कि ये वाला जवाबा? अरे वाह वाह वाह, ये लो। लो बेटा और चापा। चापा? अरे भारा। ओ तनी और भारा। अरे भारा हो। बहुत मीठा तनी और भारा। बेटा ये पीने की कौन सी स्टाइल है? यमन का देसी स्टाइल है। अच्छा अच्छा अच्छा। भरा भरा। लो। भरा तारा की बुलवावा तारा। दो। लो। चाचा, तू बड़ी मस्त आदमी है। ना 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 ना। इवा सोचे कि हमके नशा होता। ये तो हो, माने हम केतनो पी ली लेकिन हमारा नशा ना होला। कबो ना चाचा। एक बात के शिकायत बा चाचा। क्या हो गया बेटा? बहुत बड़का शिकायत बा। हाँ, बोलो बोलो बेटा बोलो। बहुत बड़का गलती काम कइले वाला तू लोग। क्या हो गया बेटा? ये अपना बेटी के नाम सोना काहे रख ले वालो? क्यों? घंटा सोना। ब्याह भइले इतना दिन भइल, सलोज ले एक दिन नहीं के सूते देले। सोना हो तो हमरो नाम निरहु कुमार यादव। आज तो चिखिया के रहे हम। चिखे मतलब? अब बेटी दामाद के कुल बात जानल जरूरी बा, चुपचाप बैठ के दारू पियो, हम जाते नहीं चिखे। चिखे के बाद दत्वन करे के पड़ी। कहने बाद दत्वन। अच्छा, अरे क्लोजअप जोड़ी पैक इस टीवी में दिखा लो तो ना। पेश के साथ बरसों बा, आज तो जत्रा बन जाए। क्लोजअप जोड़ी पैक से हमारा के डबल ताजगी मिल गया। अब बेटा चलता नहीं, हम जोड़ी बनावे। हाँ सुन ले बानी, मन में सपना बुन ले बानी। आले खाली सुन ले बानी, मन में सपना बुन ले। तो हर क्रिया ना भइल बाटे बोहानी हमार, तो हर क्रिया ना भइल बाटे बोहानी हमार। उठला लिया उठला लिया, चिखे दाना धनिया हमार। उठला लिया दाना धनिया हमार। चिखाओ ना तोरा।
बानी कोई गो फले बर एकर मिलेला। आम वाला सेव वाला लीची वाला बिकेला। सुन ले बानी कई गो फले बर एकर मिलेला। आम वाला सेव वाला लीची वाला बिके है कौन फले बर बड़ी बाटे चटकार है कौन फले बर बड़ी बाटे चटकार। ओठ ललिया ओठ ललिया चीखे दाना धनिया हमार। ओठ ललिया चीखे दाना धनिया हमार। कबो खाए के पवले देखी देखी दूर ही से लार टप पवले। आज ले ना बाबा कबो खाए के पवले देखी देखी दूर ही से लार टप पवले। कबले दुखवा में रोई है दुख हरन हमार। कबले दुखवा दुख हरन हमार। ओठ ललिया ओठ ललिया चीखे दाना धनिया हमार। ओठ ललिया चीखे दाना धनिया हमार। ओठ ललिया चीखे दाना धनिया हमार। ना चीखे देवी। ओ गॉड, अब क्या जिंदगी भर इस आदमी के साथ रहना पड़ेगा। अरे तारा अंग्रेजी से बढ़िया तो देसी हवे होला। कम से कम जितना तेजी से चढ़ेला उतने तेजी से उतर भी जाला। तुम शराब ऐसे पीते हो यार, जाने मने दूध पी रहे हो। वो भी बिना पानी और सोडा के। हैंगओवर तो होगा ही ना। का गोबर होगा? अरे गोबर नहीं, हैंगओवर यानी सर में दर्द। अरे सर में तो ऐसा दर्द होगा तो लागत साला फाट जाए। हेलो, कहो तो दबा दूं। माथा में दर्द बा, गला में ना दबा। अब मुझे तुम अच्छे लगने लगे तो तुम्हारा नाटक शुरू हो गया। शराब राती बेरा पी ले रहूंगी, ए बेरा ना। देखो अगर तुम शराफत से रहोगे तो मुझे तुम्हारी पत्नी होने में कोई एतराज नहीं है। अरे बाप रे, इतना प्यार से बोलबू तो हम तो हर गुलामी करे के तैयार हो जाए। बस एक बात हमार मान ला, चिरकुट पहनल तू छोड़ दा। मस्त लुग्गा पहन के घूंघट काढ़ के एक बार हमारे सामने आ जाए तो साला हमार करेजा जुड़ा जाए। अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। हाँ? सुनो जी। हाँ जी, आज हमारी शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रख लूं, अगर आपकी इच्छा हो तो। अरे अब तारे इच्छा में हमारी इच्छा बा, रख लो। हाय फ्रेंड्स, ये है मेरे हस्बैंड निरहू कुमार यादव। कैसी लगी हम हस्बैंड वाइफ की जोड़ी? बहुत बढ़िया, जैसे मर्सिडीज के साथ ट्रैक्टर को बांध दिया गया हो। ट्रैक्टर नहीं, गांव का नमूना है ये। सड़ी हुई जींस, सड़ा हुआ कुर्ता और गले में गमछा। वाह भाई वाह, इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर के नौकर पहनते हैं। भाई इसके कपड़ों पे मत जाना, ये आदमी दिखने में सीधा साधा है, एक नंबर का सातीर है। सातीर सोना के करोड़ों की दौलत देख के इस भीख मंगे की आंखें चकाचौंध हो गई है। धक्के मार मार के ये बिचारी इसे घर से बाहर निकलना चाहती है, पर ये जो की तरह इसे चिपक गया है यार। Stop it guys, बहुत हो गया मजाक। ये मेरा पति है, कोई तबला नहीं कि जो चाहे इसे बजा दे। अरे देखो इसकी शक्ल तो देखो, कितना बुरा मान गया बेचारा। अगर मेरा पति बन के रहना है ना तो ऐसी छोटी छोटी बातों में बुरा मानना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि ये टोनी मेरा बॉयफ्रेंड है तब तुम्हें कितना बुरा लगेगा। अरे क्या हुआ, बुरा लग रहा है?
बोलो ना, बुरा लग रहा है? अगर बुरा लग भी रहा है तो भी तुम मेरा क्या कर लोगे? काला गल तो रखे है, तू एकनी के साथ मिलके हमार मजाक उड़े भी और हम चुपचाप चल जाए यहाँ से। शादी बियाह तोहनी खातिर मजाक होते, हमनी खातिर जन्म जन्म के रिश्ता होला। समझ में आयल कि फिर समझाई तो के? ए हरामखोर, हमरा मेहरारू के तलवा चाटे वाला कुकुर, आज के बाद अगर मरद मेहरारू के बीच में आवे की कोशिश कई ले तो तुर बीच वाला काट के तुरे हाथ में दे दे। का कदर ले तू? गमछा वाला नमूना? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इस सब लोग गमछा वालन के गांव में पैदा भइल रहे। तोरा जैसन बनरन के शहर में ना, और शायद तोरा के ही पता नहीं के कि गमछा अगर गरीब मजदूर के पसीना पोछे के काम आवेला तो तोरा जैसन कुकुरन के टेटुआ दबावे के भी काम आवेला। और का कदरलू है? हम आदमी ना है, ट्रैक्टर है। एकदम सही पहचान लू तू, ट्रैक्टर है हम। लेकिन एक बात जान लू कि ना मैडम, ट्रैक्टर के इंजन बहुत मजबूत होला और जब तोहनी लोग के बड़का बड़का गाड़ी गाढ़ा गुच्छा में फंस के धुआं छोड़े लगेला तो ट्रैक्टर में ठेल के बाहर निकालेला। और अगर तोहरा जैसन बंजर जमीन पे हाई ट्रैक्टर चढ़ गई तो 9 महीना से पहले ही फसल लहलाए लगी। तोरा के का लगा था? पैसा खातिर चिपकल बनी हमें से? थू थू कहता नहीं एकरा पैसा पे। अगर ये हमरा के अपन दिल से पति ना समझे ले तो हम एकरा घर के अपन ससुराल ना होटल समझ के रहनी। नेहरू ठीक कह रहा है बेटा जी, इन लिफाफों में पैसे देकर उसने यहाँ रहने खाने की पूरी कीमत चुकाई है। मेरा यकीन करो बेटा जी, इसके जैसा खुददार आदमी तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अपनी ये 2 कौड़ी की सलाह ना आप अपने पास ही रखिए चाचा जी। मेरे मामलों में अपनी टांग अड़ाने से पहले ये याद रख लीजिएगा कि मेरी इस प्रॉपर्टी के आप बस केयर टेकर हैं, मालिक नहीं। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जैसे गिरे हुए फटीचर इंसान के साथ अब मैं 1 मिनट भी और नहीं रह सकती। आई नीड डिवोर्स, अभी के अभी तलाक दो मुझे। अच्छा, तलाक चाहिए? हाँ, दे दे तलाक। लेकिन उकरा खातिर तोरा के हमारे को शर्त माने की पड़ी। क्या शर्त? अगर तलाक चाहिए तो तोरा के हमारा गांव में चल के हमारे मेहरारू बन के 6 महीना रह के पड़ी। मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे उस सड़े हुए गांव में। हम ना ले तोरा से ब्याह करे, तू आई लली हमारा से ब्याह करे। और अगर अब तलाक चाहिए तो गांव में तो हमारा चले के पड़ी। मैं जानती हूँ, जब तुम यहाँ रहकर मेरा तन हासिल नहीं कर पाए तो अब गांव जाके अपनी मुराद पूरी करना चाहते हो ना तुम। तोरा मर्जी के खिलाफ गांव में तोरा के हाथ भी ना लगाए, ये को मर्द के जुबान। मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझ गए? हाँ तो तलाक देवे में तुहार तेल निकाल देव। अरे इतना क्या सोच रही है यार, इस जानवर से पीछा छुड़ाने का इससे बढ़िया रास्ता और कोई नहीं है। अंजना सही कह रही है, सिर्फ 6 महीना तुझे उसके गांव में सड़ना पड़ेगा, उसके बाद जिंदगी भर तुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। मैं तुम्हारे गांव जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सारे दोस्त भी मेरे साथ चलेंगे। मैं इन सब के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती, यही मेरे सुख दुख के सच्चे साथी हैं। बोले मंजूर है? मंजूर बा, लेकिन हमरो एको शर्त बा, गांव में केहू के कानो कान खबर ना होके की चाहिए कि हमनी के बीच में का समझौता भइल बा। मंजूर बा? मंजूर है। अरे टोनी, तुम नहीं जाओगे? नहीं, अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम लौट कर जरूर आओगी, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके बाय। बाय चाचा जी। बाय बेटा। तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगी? यस ऑफ कोर्स शील कम, वो मेरे बगैर 1 दिन भी नहीं रह सकती। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो। यस आई एम। मुझको तो बेवकूफ नजर आते हो। बेटा चिड़िया तो उड़ गई।
चलो उतरो लोग, अब यहाँ से आगे गाड़ी ना जाई, यहाँ से पैदल चले के पड़ी। मैं इस कीचड़ में नहीं उतरने वाली हूँ। कीचड़ में ना उतरबू तो यहाँ गलीचा बिछवा दे। चला उतरा। नहीं उतरूंगी, बोला ना। शिट। अरे गांव देहात के रास्ता ऐसा नहीं होला, मुंबई ना। चला उतरा। मैं नहीं उतरूंगी। उतर। आओ अब थोड़ी के दूर हो रहा। अरे ये तो निरवा लगा था। अरे तो निरवा है। अरे एकरा साथे तो बड़ी चमचमात चीज बा हो। पालगी बाबा लागत हो कर सपना के रानी मिल गई यार। हाँ हो, लेकिन इस साल इतना अश्लील सपना देखो तो है, हमरा तो माल में ना रहे। आवा तनी रुक बेटा। पालगी चचा। अरे जियत रहा बेटा, जियत रहा। का नहीं हो बेटा, ई के हरे? अरे चचा ई तोहार पतोहिया ना। सही माल खोल ले बेटा, ई पतोहिया से कुछ पूछ ली। पूछ ले चचा। अच्छा वो बात बताओ, जब तोहर बाहर इतना कम कमरे में काम चल जाता तब तक घर में कुछ पहनो के ना पड़त होई। व्हाट? गंदी बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। रे साला तू चाचा नहीं रे मरबे। चाचा आवे तो गंदी बात करबे। चला। अरे साला देखो एकर हमरा सात्रे को लेकन में ये वो सबसे बड़ा नालायक निकल गई। करण रहुआ, अरे बड़ा जबरदस्त आइटम लेके आइल बड़े रे। अरे कहाँ मिलेली मुजफ्फरपुर के लीची रे? मुंबई के फारस रोड में कि बनारस के दाल मंडी में? ये किसको आइटम बोला? रुको लोग, एक समझा क्या होता नहीं। बनारस से लिया ही चाहे बंबई से, तोरा बहन से सकल नहीं खेने मिलत। ए, जबान संभाल के बोल। का कह दे रहे हमरा से कि अगर हमार सपना पूरा हो जाए तो आधा मोच में घूमबे तू? एक बाप के औलाद होबे तो घूमबे आधा मोच में। ए लंगूर के हाथ में अंगूर ना लग सकेला, कुछ ना कुछ नौटंकी जरूर। जबले नौटंकी का पर्दा फास ना कदे अपन मोच ना बढ़ाए। बच गेल ना। चाचा चाची लगत आड़ी। माई बाबूजी का भेल रे, काहे ते चिल्लात मारे? बाबा चाचा के सपना बड़ा सुंदर बा। सामने देखो बाबूजी। निरहु नालायक निकली, ये कबो हम सोचले भी ना रहे। कहे देखला कितना नंगा बा तोरे बेटा के सपना। सुंदर, अति सुंदर। अरे बड़ी भाग्यवान पतोह बिया जी, बेटा के फांसी के फंदा से बचा ले आइल। ए माई, फिर देरी काहे करे, अरे बहू के स्वागत के तैयारी कर जाए। एहे दुल्हन, दुल्हन, अरे धरिया सजाओ रे अपन पतोह आइल बिया। देख ले माई आ गेल तोर पतोह। अरे रुक रुक रुक, आरती तो उतारे द। ली माँ जी, ये हमार पूरा परिवार। आधा कपड़ा पहन के आ गई लू, कल लूगा पहन के ना सकत रहलू। मेरी मर्जी, मैं चाहे आधा कपड़ा पहनू चाहे पूरा, आप कौन होते कुछ बोलने वाले? बम्बई ना ये गांव है भौजी, आधा में बाधा हो जाए। शट अप। कौन बात नहीं की बिटिया, गुस्सा मत करा, नेक पूरा कहला, सुहाग सलामत रही। अब ये नेक क्या है? अरे स्वागत। मैं यहाँ स्वागत करवाने नहीं आई हूँ। तक गोबर दार के अपमान कर दी का। बदतमीज। ए चुप। ए जो दौरी लेके आओ रे। हाँ हाँ। अब ये दौरी क्या है? अरे घर में डेग रखे से पहले दौरी में डेग रखल जाला। डेग? अब ए में रखा। दुल्हन यहा तो हर कमरा। कादेवर जी अब हम जाई? कहाँ जाइबू, तू नेक पुरा ला। ना बाबा ना, बचल कुचल नेक तू ही पुरावा, हम जात बानी। अरे आवा। ये कमरा, मैं इस कमरे में रहूंगी,
आर यू मैड? यहाँ तो एसी भी नहीं है। सुना, गांव में एसी ना होला। मैं ऐसे कमरे में नहीं रहने वाली हूँ। यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। हमरा पता बा, तोहरा बहुत गर्मी बा। तोहर यह गर्मी उतारे खातिर तो यहाँ लिया बने। ए बुड्ढे, हम लोग कब तक यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे? तेरे घर में कमरा उमरा नहीं है क्या? अरे तक हमरा माथा पर बैठवे, जो ने खटिया रखल बा बैठ तू लोग हुआ जाके। जी बाबूजी, ये सपना तू कब से देख रहा बड़ा बेटा? बाबूजी बचपने से। अगर हमरा पहले से मालूम रही कि तोहार सपना इतना खतरनाक बा, तो हम तोहार गला दबा देती सारे। अरे तू अपन मेहरारू के लेके अकेले ना आ सकत रहले कि साथ में जोकर के लेके आ गई ले। एक बात सुन ले, इन लोग के अभी यहाँ से विदाई कर, आ कह दे उन नौटंकी वाली से। ये बुड्ढा नौटंकी वाला किसको बोला? हमरा के। अरे तू बुढ़वा केकरा के कहले? हमरा के। तुमको नहीं, इस बुड्ढे को ही बोली हूँ। इससे क्या मैं डरती हूँ? अरे नलायक कही के, तोहरा सामने तोहर मेहरारू हमरा के बेइज्जत कर रहल बा, आ तू सारे टुकुर टुकुर मुंह देखत बारे। सालो नलायक कुत्ता कही के। अरे साला मुंह का देखत बारे, चप्पल लेके आओ। कितना खतरनाक है यार बुड्ढा। साले ने मेरा नाक तोड़ दिया यार। इस बुड्ढे को तो ना मैं एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी। लगी लोग मत लगबो, लोग तो अभी तक खाली नाक फूटल बा और पता न का फूटे लगी। क्यों? ऐसे तो पति होने का बड़ा दम भरते हो, अपने बाप को क्यों नहीं संभालते? अरे हम का संभाली, वो हमारा के संभाल संभाल के इतना बड़ा कर ले। वैसे अब तोरो के वह संभाली है। ओ गॉड, इन हालातों में मैं यहाँ कैसे रहूंगी? वह तो हम सोचता नहीं कि जब तुहार यहाँ एक दिन बितावल मुश्किल हो गई तो तू 180 दिन कैसे बीतेबू। चला लोगन खाना खाला, खाना तैयार बा। नहीं खाने का तेरा घटिया खाना। हमने के खाना के घटिया खाता? हाँ बेटा। तो ये लोग का खाला? ये लोग तो इज्जा पिज्जा खाला बेटा। चाचा ये इज्जा पिज्जा का होला? एक बेर पटना में खेले रहनी, पतला मैदान होके लागल। मतलब कि पहले खाला लोग फिर तटी जाला लोग? ना रे, तटी को के खाला लोग। शट अप, थैंक यू। चाचा ये फटफट का हो रल बा? शहरी खून के देहाती मच्छर स्वाद ले तारन सन। कछुआ जराई दे का? अरे ना रे, एकनी के भूखल बारन सन, कम से कम मच्छर के तो खाए दा। छोड़ा एकरा के जाए दा। ओ हेलो, वेयर इज द टॉयलेट? का? अरे पैखाना रे, शहर में टॉयलेट कहल जाला पैखाना के। ए मैडम, घर में टॉयलेट के व्यवस्था नहीं के, हौ लोटा डब्बा उठावा आ खेत में चल जा। क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग सब टॉयलेट करने खेत में नहीं जाने वाले? जाके खेत में करे के बाद करो, अना तो मोर। शिट। का? कुछ ना रे, दतवन कर। अरे यार, ये लोग तो कह रहे हैं कि टॉयलेट करने के लिए खेत में जाना पड़ेगा। क्या? खेत में? हम लोग नहीं जाएंगे खेत में। इम्पॉसिबल है यार। शिट। ओह माय गॉड, चलो। का देखत रे रे, इतना कंपनी, इतना पानी में तुहार ना हो सकी का? ना। अरे सार, इतना पानी में तो हमनी के तीनों नहीं पट ले। क्या बात कर रहा भाई? हाँ। अरे मर्दे, रात के कुछ खैले नहीं खाता, हगबा का जा जा ना तो वो गिर जाला। जा जा जा। भैया हम आऊ नहीं पट के आवत नहीं। जो 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 कर तू जीवे नहीं। खड़ा काहे हो गिला, लड़की हवा का है? अरे बैठ जाना तो चड्डी खराब हो जाए। अच्छा एगो बात बतावा, बिना खैला पीला के इतना ढेर लगावा तड़ा, खैला के बाद कितना ढेर? क्या बोला? कुछ ना, करी करी। का देखा तड़ा, पिए के विचार बाका? अबे डब्बे में छेद है, सारा पानी गिर गया। सारा पानी गिर गया। तो का भाई, एक काम करा, जा खेत में घिसिया ला। क्या घिसिया ला? अरे बुरबक, तू लोगन शहर में कागज से पूछे लगी ना? पूछते हैं। तो यहाँ खेत में घिसियावल जाला। कैसे घिसियाते हैं बताई? ऐसे घिसियावल जाला, चला घिसियावा। बढ़िया। अरे अरे सियाव
वर रामचंद्र जी की जय। एक्सक्यूज मी, बाथरूम कहाँ है? मान की जय। हारा हारा, अरे बाथरूम कहाँ है? नाहू कहाँ? कहाँ डिडिया तारू? बाथरूम किधर है? आना रहू, बाथरूम नहीं खेलोगा? आवा देखा, ये है बाथरूम। ये कैसा बाथरूम है? ऊपर से पूरा खुला है और इसमें तो दरवाजा भी नहीं है। गांव में ऐसा नहीं होला। I'm sorry, मैं ऐसे बाथरूम में नहीं नहा सकती। मैं ऐसे बाथरूम में नहीं आऊंगी। तो जा पोखरा में नहा लो। पोखरा? अरे पोखरा मतलब तालाब, तालाब। हम सब खुले में नहाएंगे? अच्छा, स्विमिंग पूलवा में लंगोटा पहन के छपक्का मारे लो लोग तो वहाँ का पर्दा लगल रहला। नौटंकी मत करो, चुपचाप जाके नहा। यार। ओ शिट, क्या बोल रही है? अभी नहाना यहीं पे। अबे बुड्ढे, ये थूकने की जगह है क्या? अरे यहाँ ना थूकी, तो कहाँ था? हर मुंह में थूकी। अरे बुड्ढे, संभाल के बात कर। अरे चुप रे बुड़बक। ये देखो क्या क्या हरकतें कर रहा है। क्या कर रहे हो? ओ शिट, शिट, ओ शिट, ओ शिट। अरे इसको क्या देख रहे हो? उधर देखो, जिस पानी में हम नहा रहे हैं उसमें वो अपनी शिट धो रहा है। इस गंदे घटिया गांव में हमको नहीं रहना। चलो यार, छी, चलो यार, यहाँ से। अरे रुको यार, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। छी यार, रुको रुको रुको, प्लीज डोंट गो यार। अरे प्लीज डोंट गो। अरे मत जाओ यार, रुक जाओ ना प्लीज यार। ऐसे कैसे कर रहे हो? रुको रुको यार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो हाँ, चलो चलो। रुको लोग, चला लोग, हम वो चलता नहीं। अरे तुम क्यों चलोगे? तुम यही मरो। ना 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 ना, हम अकेले ना मरो। तोहरा से भी आ गई लेवानी, तोहरा साथे मरो। यू हाय, देखा तलाक के पेपर भी रेडी बा, लेकिन ए पर दस्तखत करब 6 महीना के बाद, तबे न तू आजाद होबू। ओ गॉड, क्या करूं मैं इस आदमी का? सोना तू चल। सोना सोच मत, चलो तुम। अरे चल सोना, चल। चलो यार, तुम मरी इसी के साथ। चलो यार, चलो 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 चलो। हाय रई 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 रई, हाय रई रई रई। देखा एक आदमी पे घमंड कर लेलो? अरे साला, ई तोहरा से ना, तोहरा पैसा में नु दोस्ती कइले रहले हैं सब। ऊ कहावत तू सुन ले ना बाबू, हम तोहरा के सुना देता नहीं। कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, बनल कसार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। अरे बिटिया, चोट लग गई का? रहने दो। तुम लोगों के दिल जितने छोटे होते हैं ना, उतना ही छोटा होता है तुम्हारे घरों का दरवाजा। बहू, गांव के घर के दरवाजा छोट काहे होखेला? ई तोहरा मालूम बा? ताके कोई घर में घुसे, अपन सर झुका के घुसे। और सुना, घर में रहे वाला लोग बड़ ना होला, बड़ा होला घर, आ घर के मान मर्यादा, बुझाइल? अपना ये जो प्रवचन है ना, वो आप जाके किसी मंदिर में दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे ये लड़की भैंस बिया भैंस, एकरा के बीन बजावल बेकार बा। बिटिया कुछ खा ल? नहीं खाना है मुझे आपका खाना, आप लोगों के खाने से भी बांस आती है। दो ही दिन से कुछ खेले नहीं खूब बिटिया, लौकी के बहुत बढ़िया तरकारी बनौले हैं, तनी सा खा ल। कहा ना एक बार नहीं खाना है? नाउ विल यू प्लीज गेट आउट। हाई जाइए यहाँ से। दा दे धाई, जब मन करे तो खा ली। हा सब का हरे बाबा, चाचा के सपना। तू ठीक कहत बड़ा बेटा, इस सूद के सपना देखले हो कि हमरी के जागले में सपना देखे के मिल रहल बा। यही से बियाह से पहले
लड़की के खर खरदान देखल जाला, सपना ना देखल जाला। खटिया बा, लेकिन बहुत बाजेला। हाँ तो उससे किसी को क्या तकलीफ है? अरे बाजेला से तकलीफ नहीं के, ना बाजी तब तकलीफ हो जाए। साला पूरा घर भर के पता चल जाए कि हमनी के अलग अलग सूते नहीं जा। सब्जी कभी नहीं खाई। सॉरी मैंने आपको खाने के लिए इतना भला बुरा कहा। कोनो बात नहीं खे बिटिया, कोनो बात नहीं खे। अच्छा सुनो, खेती की ओर चलबो? तो अब भी चलो, कोनो मनाई ना लोकी है। कहाँ पे? अरे वो तू लोगन का कह लो ऑमलेट। अरे माई ऑमलेट ना, टॉयलेट। अरे ऑमलेट चाहे टॉयलेट दोनों एक के ना भेल रहे। चलो बिटिया चल। अच्छा बताइए यहाँ लोगों के घरों में टॉयलेट क्यों नहीं होते हैं? अब का है ना बिटिया, घरे में देवी देवता, अंगना में तुलसी चौरा, असुद हो जाए है ना यही से। वैसे कुछ लोग बनवावे लागल बाटे लेकिन घरे के पिछवाड़े। तो आप लोग क्यों नहीं बनवा लेते? अब निरहू के बाबूजी मानस तब ना। ये क्या हो रहा है? अरे बिटिया सम्मत जरावे खाते लकड़ी चुरावत आरसन। सेमत मतलब होली। अरे तनी भौजी बुलाओ हो। अरे भौजी तुहार बा, तू बुलाओ। अरे का मारू भौजी हो। अरे भौजी आ गई हो। ए भौजी, अरे होली में देवर में मरद लागेला हो। होए। अरे ढेर धदा मत रहवा लोग, कितनो रंग से नहाए ले बा, लेकिन जवानी ना यहाँ। ठीक कालू भाऊजी, ठीक कालू।
आवा आवा भौजी आवा, हमनियों के संगे रंग खेल। आए हाय, अब रवा लोगन के संगे अगर हम रंग खेलब तो खनवा के बनाई नी खट्टू लोग जाए खेली। खुश रहा। अरे कहाँ जाता रहा बिहाने बिहाने, बैठा चाय वाय पिया। अरे बिना हाथ मुंह धोले इस शहरी चोचला गांव में मत लावा लोग। अरे हमनी के छोड़ा है चच्चा, उ जवन शहर से पतोहिया लेके आइल बाड़ा ओकर चोचला कैसा लागता। ए बबलू यादव, हमरा घर के बाद
घर में ही रही तो अच्छा होगी। बाहर जाए तो जग हंसाई हो जाए क्या? अरे कपड़ा तो इतना छोट पहन दिया किलो टंकी वाली भेल बिजुरी दादी। ए चचा अतना छोट कपड़ा गोड़वा तो ढकाईबे ना करी मुआवा का खाक ढकाई। अरे हम कहब तो बुरा लाग जाई आ तू लोग गांव के बड़ बुजुर्ग बाड़ा तोहनिया लोग फैसला कर। देखा विशंबर एक बात सुन ला, अपन बहू के संभाल के रखा ओकरा देखा देखी गांव के बेटी पतोहू बिगड़े तो ठीक ना होई। आई अंग्रेजी फैशन गांव में ना चली ओकरा से जाके कह दा कि लूगा पहने। जा जा अपन बहू के कह दा लूगा पहने। जानी लो नंदिनी हमरो ऐसा कपड़ा पहने के बड़ी इच्छा रहा लेकिन बाबूजी और भैया के डर के मारे मन की इच्छा मन में लेके नहर से ससुरे चली आई। तो चला ना एक बार पहन के देखल जाए। ना ना नंदिनी ये कुल छुटकी दुल्हन के कपड़ा है वो नाराज हो जाए। अरे वो माई के साथ बाहर गई है तू कौन सा पहनबू? तब फिर हम ई वाला पहना। हम ई वाला अरे देवर जी चल 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 अरे एगो का कब रही खंडान में नाक कटावे खातिर कि दुगो और तैयार हो गए लू। ए बुढ़ी एक पहन ला। बक हम काहे पहरी? अरे सब केहू तो पहन लेलस तू काहे बाचल रहबू तू हो पहला सब मिल के काटा हमार नाक। अरे रो वो पगला गल बानी का। हाँ हाँ हम पगला गल बानी हम। ए रुक एक बात ध्यान से सुन लेनी रहुआ अगर तोहरा बेरानू के घर में रहे के बाद तो ओकरा लूगा पहन के रहे के पड़ी। ना पहरी लूगा। का कहले तारी फिर से बोल। तू हमेशा से धोती कुर्ता पहन ले बाड़ा तोहरा के काहे कि धोती छोड़ के जींस पहने तो तू पहन ले बा तो जब वो हमेशा से अंग्रेजी कपड़ा पहन ले बिया तो ऐसे कैसे झर से लूगा पहन ली। हाँ तो ठीक बा पहनावत रह के झलका हुआ कपड़ा और झपकावत रहा और सारा समाज में हमारी इज्जत लुटावत रहा तू लोग। ऐसे आरी सारी सारी माने लूगा ऐसे आरी फायर फायर माने आगी। अरे बिटिया आव बैठा। आज पहली बार नहीं रहूँ अपन बाऊजी के सामने जुबान लड़वले हाँ ऊ भी तोरे खातिर। आखिर का जरूरत है ऐसा कपड़ा पहला के जवन पहला के बादो बार बार तोपे के पड़े ऐसे लुगा पहरल जाला। आंटी आप मुझे साड़ी पहनना सिखाएंगी? हाँ का मतलब लुगा पहनना सिखाएंगी? हाँ अब हमारा असली पतोह लगलू। देखनी? अरे हम का देखी रोज रोज एक नया नया नौटंकी देख के हम तक गगल बानी। हमरा ऊ मतलब नहीं खे दुल्हन साड़ी में कैसे लगती है? अरे तो हमरा से का पूछा तरू पूछा अपन लाडला से है से नीमा दिखा होता। हाँ ना के पे गुस्सा रहला चला। साड़ी में तो ऐसा लगता रू की ओहो मन तो करा था कि कोरा में भर के कोरा हो जाए। क्या है? कुछ ना
साल अभी आके बाद वो बाण के बाणे रह गए नी। बाण? ए पप्पू पप्पू, तुम्हारे चाचा कहाँ गए? नाच देखे। नमस्कार, का समाचार बा? लहंगा में बोलू।
टुटू था। अरे इतना रात हो गई, अभी ले सुतलू ना तू? मेरी छोड़ो, इतनी देर तक कहाँ थे तुम? नाच देखे गई रही, बड़ी जोरदार नाच रहे। अच्छा, नाच जोरदार था या नाचने वाली? बड़ी कटीली नचनिया रहे, ऐसा हिला हिला के नाचत रहे नू कि करेजा में से धुआं धुआं निकाल देलस। मन तो करत रहे कि ओके धा के करेजा से साट ली। अच्छा, तो उसी से सटे रहते ना, यहाँ घर क्यों आए हो? अब आदमी कितनो बारे मुंह मार ले, घूम फिर के घर ही नू आवेला। हम नाच देखे गईल रनिया तो बुरा मान गेलू है? मैं क्यों बुरा मानूंगी, मैं होती कौन हूँ बुरा मानने वाली? हाँ, वे तो हम सोचता नहीं, तू क्या हो हमार? अब चुपचाप सो जाओ। अरे कैसे सो जाए, वो सूते देता अब ना, ओकर चेहरा दिमाग में ऐसा चढ़ गई बा, लागत आज उस सपना में भी आई। कोनो इतराज नहीं के धत। सीएटी केट माने बिलार, आरएटी रेट रेट माने मूस। एक्सक्यूज मी, का भई पप्पू जब देखो तो अंग्रेजी क्यों रटता रहता है? अंग्रेजी में बहुत ही कमजोर बा, 3 साल से फेल होखत बा, यही से रटत रहेला। तो अब गलत सलत पड़ेगा तो फेल तो होगा ही। सीएटी केट माने बिलार, आरएटी रेट। पप्पू तुम्हें ये केट रेट ये सब पढ़ना कौन सिखाता है? गोवर्धन मास्टर। सीआरओ क्रो, क्रो माने कौवा। सीआरओ क्रो, क्रो माने कौवा। पीएआरओटी पैरोट, पैरोट माने सुग्गा। भौजी क्रो माने कौवा। एक्सक्यूज मी चाची, तू के हो और चिल्लात का है बड़ू? मैं पप्पू की चाची हूँ, आप बच्चों को गलत सलत अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं? तोहरा से के कहलास कि हम गलत पढ़ावत बानी? अच्छा, सीआरओ क्रो, क्रो की स्पेलिंग सीआरओ डब्ल्यू होती है, डब्ल्यू कहाँ गया? अरे जल्दी जल्दी में डब्ल्यू छूट गईल तो कौन पहाड़ टूट गईल? अरे तू तो खाना बनाओ थोकबू तो तोरा से धनिया मिर्चा हल्दी कुछ ना कुछ तो छूट जात होई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम्हारे गलत पढ़ाने की वजह से पप्पू हर साल फेल हो जाता है। हाँ तो फेल तो होबे ना करी, पप्पू तो खुद ही गधा बा। पप्पू गधा नहीं, गधे तुम हो। हेलो, ये कहाँ हंगामा है? और तुम कौन हो? मैं पप्पू की चाची हूँ, और आप कौन है? मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। अच्छा हेडमास्टर जी, देखिए आपके टीचर कितना गलत सलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हाँ गलत तो पढ़ा रहा है, 5,000 के तनख्वाह में इससे ज्यादा अच्छा कहाँ पढ़ाएगा? राधे श्याम सीताराम, जितना पैसा उतना काम। You're not making fun of such a serious matter? इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग? एगो काम करा, पप्पू के तू ही पढ़ा के पास करा ला। और अगर मैंने पप्पू को पास करा दिया तब? माँ कसम नौकरी छोड़ दूंगा दुर्गा माई। ठीक है, तो अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जा। अरे शर्त लगाए के का जरूरत है, कहीं पप्पू पास हो गई तो पूरा स्कूल के नाम मिट्टी में मिल जाए ना गोवर्धन। अरे परीक्षा में अभी 13 दिन बाकी बा, 13 दिन में देखा तानी की का उखाड़ ले। सही बात है, ठीक बा ठीक। गोवर्धन बाबू, श्राद्ध कितना दिन में होला? 13 दिन में। तो तू तैयारी करा, 13 दिन बाद हमार भौजी पिंडा के भार तोहरे सर पे फोड़ी। हाँ बोलो बेटा। CROW क्रो, क्रो का मतलब कौवा। CRO क्रो, क्रो माने कौवा। ओ नो बेटा, CRO नहीं, CROW, W बोलो। CRO क्रो, क्रो माने कौवा। हाय देखा, एक और नया नौटंकी शुरू हो गई घर में।
क्या देख रहे हो? तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। बोलो CROW क्रो। CRO क्रो, क्रो माने कौवा। अरे आओ रे, का रे बचना, सुन लिए तो और भौजाई गोवर्धन मास्टर के चैलेंज कर ले भैया। बिल्कुल सही सुन ले वाला, पपुआ के पास होते ही गोवर्धन मास्टर के नौकरी गईल। अच्छा, और कहीं पपुआ फेल हो गईल तब तका तो और भौजाइया निरहुआ के छोड़ के गोवर्धन मास्टर के लगे चल जाई कार है। जवान संभाल के, भौजी का अगर कुछ कहले तो जवान काट ले। ई देखा बड़ा गरमाता रे, रे। लागा था भौजैया देवरों के जवानी का रस चखा दे ले पिया। ए बबलू ये दो। ई देखा मोटको भड़भड़ाता रे। ए जेठ वाले ना घबरो मत सारे, साल में एक महीना जेठ का भी होला। खराब कर दे। ले आ गई तोर भौजाई। अरे सारे ओकरा पेटीकोट में ढुका दो, नहीं तो बहुत मार मारे। लातों के भूत बातों से नहीं मानती। उस दिन तू ही था ना जिसने मुझे आइटम बोला था? करेक्ट। कहे कि तू देखा मैं कौनो सती सावित्री ना, चतुर्भुज स्थान के टॉप के माल लगाइलू। अब की बार सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार जरूरत पड़ी तो चप्पल उतार कर मारूंगी। ए! तोरा के पता नहीं खे केकरा के थप्पड़ मर ले हा, न बाप के पता न जात के, बहुरिया बन के गांव में आग लगावता रे। अब हम बताए तोरा के गांव और गांव के रिवाज। बहुत कैसे लगो ले, बहुत कैसे लगो ले, साला बहुत कैसे लगो ले, बहुत कैसे लगो ले, बहुत चार आप चार भाई। बाबूजी पहले ये बताओ तोहरी की लड़ाई झगड़ा का है भाई? भौजी के भला बुरा कही तो क्यों चुप रही का? अरे तकल तो हार भौजी दूध के धोयल वाली का, जब से ही घर में आइल बा रोज कोई ना कोई नया बखेरा खड़ा हो जात बा। पपुआ के पढ़ा लिखा के बलिस्टर बना दियन, बड़का मास्टराइन आइल बानी। कहबर एकर बोर्ड जल्दी ने स्कूल खोले, ई घर है स्कूल ना। आज से ये पढ़ाई लिखाई तोहार पर ना बंद होई पढ़ाई लिखाई। काहे बंद हुई पढ़ाई लिखाई? का चाहता नहीं आप कि पपुआ अनपढ़ रह जाए? बाह बेटा, हम देख रहल बानी जब से ये लड़की घर में आइल बा तब से तू बहुत जवाब देवे लगला है। जवाब नहीं खी देत बाबूजी, अगर गलत करी ना तो सबसे पहले एकर विरोध हम करब, लेकिन अगर सही करी तो एकर साथ देवे से भी पीछे ना हटब। अरे तो देर काहे कैले बड़ा, सुबेरे साहब एकर पैर छुअल करब। अरे तो का हो जाए पैर छू लेब तो? हां का हो जाए, ला छू ले नहीं पैर। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गइल बा, मेहर पोसुआ कही के पाक सारे। आ, 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 आ,
बताओ इसे क्या कहते हैं? भंटा। घंटा? घंटा नहीं, भंटा चाची। भंटा? हाँ। अच्छा, लेकिन इंग्लिश में इसे ब्रिंजल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिंजल। वेरी गुड। इसे क्या कहते हैं? मुरई। ओ गॉड। इसे क्या कहते हैं? चाउर। चावर इसे भोजपुरी में कहते हैं बेटा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? भोजपुरी में के चावर ना चाउर खल जाला। चावर? चाउर। चाउर? करेक्ट। एक सेकंड, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा रही हूँ, तुम मुझे भोजपुरी सिखा रहे हो। इसे क्या कहते हैं? गहूँ। What's this? Nose. What's this? Cheek. What's this? Chin. What's this? Head. No. Say forehead. Forehead. अरे पपुआ, अरे अरे, अरे चाची, हम क्लास में पहला नंबर से पास हो गई नहीं? अरे का भाई, पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गई? हाँ भैया, पप्पू पास हो गई। बबलू भैया हमके बचा ला। का भाई? पूरा गांव वाला हमके मारल चाहता रे, अब तू ही हमके बचा सकेला। टेंशन मत ले, कुछ ना होई, सही जगह आइल बाड़े। रुका लो, अरे का हल्ला मचावला बाड़ा लो। बबलू, आज साबित हो गइल बा ई जे मास्टर हा गांव के लेकिन के भविष्य खराब करा था। आज हमने के करना सोमसन, और आज तू बीच में बोलबा तो ठीक ना होई बबलू। का रे, जब पढ़ावे ना आवेला मास्टर कैसे बन गए ले रे? अरे मार तो नौकरी गए रे। वाह बिस्तर भैया वाह, तोहर तो बॉम्बे वाली पतो पूरा गांव घर के नाम ऊंचा कर देले भैया। ऐसे कहल बा पढ़े लिखे नारी फैलावे उजियारी। बिस्तर भैया, तहार पतो हूँ साबित कर देली कि गांव के स्कूल के पढ़ाई लिखाई में रंग ढंग नहीं है। तोरे यहाँ के बहू 16 आना ना 18 आना बा। खुश कर देलू बहू, खुश कर देलू, सारा गांव में तोहरे चर्चा बा। बहू तोहरा ब्याहे में तो हम कुछ ना दे पाऊंगी, तोहरे खातिर मांग टेकल याल बनी लेला। अरे इसकी क्या जरूरत? अरे लेला। हाँ, अरे का कहल जाला टैलेटवा। हाँ बहू, आप तोहरा के बाहर टैलेटवा खातिर ना जाए के पड़ी, हम फैसला कर ले ले बानी कि हम सेफ्टी घर में ही बढ़वाए। अरे बाहर काहे खाना मारे रे, भीतर लेके आओ। देखत का बाले नीचे रख। बहू तू सहरिया बारू ना असरे पर बैठा तो को? यही से हम अंग्रेजी ले आए बानी। ठीक बा ना? इट्स ओके। अरे ओके ओके छोड़ा, तनी बैठ के दिखावा। अब ससुर के सामने पतो बैठी? हाँ बात तो ये ठीक है बा, तो तू बैठ सकलो ना? बैठा। हम काहे बैठी, रुआ बैठ के देखी ना। भाई देखो एमे लाज शर्म के कोन बात बा भाई, बैठे वाला चीज बा, बैठल जाई। लागत है सरवा नकली माल दे ले बा। से अइलू घरवा अनधन से भर गइल।
खनी रहुआ जहाज लेखा उड़े लागल बबुआ पर जादू कैले बाड़ी एज बहू रानी बबुआ पर जादू कैले बाड़ी एज बहू रानी गुंजी की लकारी भाजे बबुआ खेल अंगना कंगना जड़े जड़े बेटा जी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये तुम हो क्या चाचा जी आने से पहले खबर तो कर देते अरे नहीं बेटा जी मैं तो तुम्हारा हाल देखने आया था तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा हाल बेहाल हो गया है मुझे कुछ नहीं जानना सदा सुखी रहो अब मैं चलता हूँ समदी जी मैं चलता हूँ अरे कहाँ जाता नहीं कहले वाले समदी जी ढेला मारे ऐसा क्या मर जैसा अरे ढेला मारे ऐसा मतलब जैसे किसी ने पत्थर मारा हो अरे वाह ये तो भोजपुरी बोलना भी सीख गई ससुर जी भोजपुरी के रंग होबे ऐसन करे कौनो रंग पे चढ़ जाला चाचा जी हा? वो देखिए उस कोने से लेके वहाँ उधर तक हमारा खेत है तुम्हारा खेत हाँ हाँ हमारा अच्छा बताइए वो ट्रैक्टर कौन चला रहा है अरे होगा कोई नौकर नौकर नहीं वो चला रहे हैं वो कौन अरे पप्पू के चाचा जी आपके दामाद और कौन अरे तो ऐसा कहो ना कि निरहू चला रहा है हाँ हाँ वही अच्छा तो अब तुम निरहू का नाम नहीं लेती वो गांव में कोई और पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती तो मैंने भी नाम लेना छोड़ दिया है आपको पता है ये कितने मेहनती हैं पूरी खेती अकेले ही संभालते हैं मैं हमेशा सोचती थी कि शादी एक बंधन है लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि गांव के लोग एक दूसरे को बांध के नहीं बल्कि एक दूसरे से बंध के रहते हैं एक बात कही सब्दी जी रउआ बहुत मजेदार आदमी बने ये चार दिन कैसे कट गई पता ही नहीं चला आप सही कह रहे हैं सब्दी जी अगर मेरे ऑफिस का काम नहीं होता तो मैं दो चार दिन और रुक जाता एक बात कहना चाहता हूँ सब्दी जी कहिए जिस लड़की को हम सारी जिंदगी सुधार नहीं सके उसे आप लोगों ने 6 महीने में सुधार दिया इसके लिए मैं आपका और आपके परिवार का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कर कोनो जरूरत नहीं के आप सुनिए सब्दी जी सोना रहुए बेटी ना अब हमार बेटी बनी हमार बेटी चाचा जी इठेकुआ और भेली हो माई देली हो अच्छा सब्दी जी मैं चलता हूँ बेटा सब्दी जी के छोरा वालों जाता नहीं चाचा सदा सुहागन रहो बेटी भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे
चाचा। और चाचा जी, सुना है गांव गए थे, क्या हाल है मेरी सोना की? ये तस्वीरें हैं, खुद ही देख लो। ओ माय गॉड, इसका तो पूरा हुलिया ही बदल गया है। प्यार सब कुछ बदल देता है बेटा। प्यार? किसका प्यार? किसका प्यार? अरे उसके पति नीरहुआ का प्यार, और किसका प्यार? क्या बकवास कर रहे हो, वो उस गंवार से प्यार करेगी? मैं अपनी इन्हीं आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अरे सोना के रग रग में नीरहुआ बसा हुआ है, वो खुद नहीं जानती कि वो उसे कितना प्यार करती है। मैं यकीन नहीं करता। अरे तुम्हारे यकीन करने या ना करने की परवाह किसे है? मुझे उसकी परवाह है, मैं उससे प्यार करता हूँ। घंटा करते हो तुम, सोना से नहीं उसकी ये दौलत से प्यार करते हो। अब तुम्हारे हाथ में आएगा घंटा, उसको पकड़ के हिलाना। टन 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 टन। चाचा जी गेट आउट। चाचा जी तुम यहाँ से जाते हो कि तुम्हें धक्के मार के निकलवाऊं? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। बस एक बात हमार मान लेती, ये चिरकुट पहनल छोड़ के, मस्त लुग्गा पहन के, घूंघट निकाल के हमारे सामने आ जाए तो साला हमार करेजा जुड़ा जाए। ए जी जाड़ा।
ओढ़ाई ले हो। अरे देखत का पानी आई खाना खाली। मन तो करा था कि कोरा में दबा के अकोरा हो जाए। कुछ कहनी है का? ना ना कुछ तो ना। इडियट, इस बेवकूफ की जगह कोई और होता ना तो मुझे उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता। कुछ कह लो का? ना चली खाना खाई। ली खाना खाई। अपना हाथ से खिया देती तो का हो जाए। का कहनी है? ना कुछ ना। बेवकूफ, अगर प्यार से मुझे कहते तो मैंने अपने हाथ से खिला देती। का कह लूँ? कुछ नहीं। का बोल सोना, काहे कहाँ गेलू? पहला बेर खाना लेके आयल बानी, खाए के ना पूछ सकत रहनी है का? जा अब तो ये सब झूठा हो गए। रुकी हम फिर से खाना। अरे रुका ज्यादा, आज तो तोरा के देखिए कि पेट भर गई। तब फिर हम जाता नहीं? हाँ जा जाई जा। ठीक बा तब हम जाता नहीं। जा ए जी ई डोरी बंधात नहीं खे तनी बांध दी ना। हम कैसे बांध दी? अरे रुकी कहाँ जाता नहीं, बांध दे तो का हो जाए। अरे काहे ना हो जाए, बांधे में तो के छुए के पड़ी। रौवा बांधी ना, छुए के इजाजत हम देता नहीं। आई रवा सकल रहे माने का होला? जाने का हो गई बातें यहाँ।
टोनी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ से ले जाने। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अगर मुझसे कुछ बात करनी थी तो तुम्हें मेरे घर आना चाहिए था। इस तरह मेरा रास्ता रोककर तुम गांव में मेरे घर वालों को बदनाम कर दोगे। घर वाले? कौन से घर वाले? जिनके साथ पिछले 6 महीने से तुम बहू बनने का नाटक कर रही हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश संभाल कर बात करो टोनी। कम ऑन डार्लिंग, चलो मेरे साथ। बहुत बर्दाश्त किया तुझे साले कुतिया। ए हरामखोर, तोरा हिम्मत कैसे भइल रे हमरा बहू पर हाथ उठावे के? कौन लगा दानी है चचा? अरे बाप रे, पूरा फैमिली बा है हम लोग। हां बुढ़ऊ, चुपचाप तमाशा देखा नहीं तो काट के रख दे पूरा परिवार के। ओहो, तो ये हैं तेरे परिवार वाले जिनकी इज्जत की तू दुहाई दे रही थी। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डाल के तू इनको बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। मुंबई के नाइट क्लबों में अपनी जवानी को रोशन करने वाली अय्यास कुतिया गांव में आके इज्जतदार बन गई है। तेरी असली औकात क्या है मैं दिखाता हूँ। आज तेरी असली औकात पूरा गांव देखेगा, पूरा गांव। तेरी बहू है? नाटक कर रही है साली, नाटक। पिछले 6 महीने से तेरी बहू बनने का नाटक कर रही है। ए साला, हमरा के तो पहले ही शक रहे कि अनहरा के हाथ में बटर कैसे लग गई। ए टोनी भाई, खोला खोला खोला। ए साले निरहुआ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला। ए चच्चा सोना, तो सुन बुड्ढे, मरने से पहले इसके बाप ने एक वसीयत की थी कि जब तक ये शादी नहीं करेगी उसकी प्रॉपर्टी का एक पैसा भी इसको नहीं मिलेगा। तो मजबूरन इसने जेल में जाकर तेरे बेटे से शादी का नाटक किया, ये सोचकर कि कुछ ही दिनों में तेरे बेटे को फांसी हो जाएगी और ये शादी के बंधन से आजाद हो जाएगी। तेरा बेटा बच गया लेकिन ये साली फंस गई। मरती क्या ना करती, फिर इसने निरहु से एक करार किया, ये उसकी पत्नी बनकर गाँव में 6 महीने रहेगी और उसके बदले तेरा बेटा देगा तलाक। क्या हमने क्या हसत खेला जिंदगी में आग लगा वे आल बटे? कह दे बिटिया, कह दे कि सब झूठा झूठ। अरे तू कुछ बोलत काहे नहीं की? अरे ई का बोली साली, एकर तो बोलती है बंद हो गेल बिया। ए टोनी भाई, ससुरी गांव में आधा नंगा कपड़ा पहिर पहिर के कलेजा में आग लगावत रहे भाई, तनी एकरा के पूरा नंगा करा ना, देखी कैसे लागे ले करानो पूरा नंगा। दिखाता हूँ बबलू भाई, पहले इसे सुहागन से राण तो बना दूँ। याद है तूने पानी से अपनी मांग धोई थी, आज मैं शराब से धोई। इनका सिंदूर धोए में तब भगवान के पसीना छूट जाई, तब तोर का औकात। अच्छा हुआ तू भी आ गया, बहुत दर्द दिया है तुम दोनों ने, आज एक दर्द का हिसाब लूंगा। साला सारी कुकुर मुत्ता तोनी के अपना माई के दूध के भी हिसाब करेला सर, लेकिन गांव है और गांव के हिसाब ही है कि यहां मारल जाला 100 को और गिनल जाला 1। Oh, my God.
रहु, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। के रहल रही है हरामी, औका कहत रहे तोहर नकली ब्याह बात आ तुओ के तलाक दे में। सच सच बताओ बात का बा, अरे बोलत कहे नहीं के। आज छह महीना हो गई, पूरा छह महीना, और इस छह महीना में हमसे करार कैल हर शर्त के पूरा कैल। एगो पतो के देवरानी के भौजाई के चाची के रिश्ता के इतना बढ़िया से निभालो कि कबो कबो तो हमके भी धोखा हो गई। हम जाना था तो हमरा से पीछा छोड़ावे खातिर हर तकलीफ के बर्दाश्त कर ले लो, तो अपन फर्ज निभा लो। अब फर्ज निभावे के बारे हमार बा, आज हम तोरा के तलाक दे देनी। इरल तलाक ना, जाए के तैयारी कर। तू लोग जानल चाहता रहा कि टोनी जोन कहत रहे वो सही रहे कि ना। वो सही कहत रहे बाबूजी, आज हम सोना के तलाक दे देनी। तू कहा कहता रे बेटा? अरे पगला गेल बने कारे, ये तू कहा कहत बने? शादी बियाह कोनो गुड्डा गुड़िया के खेल नहीं खे, कि जब ले मन चला खेलनी अनंत तूर देनी। बेचन ट्रैक्टर निकाल, ओकरा के छोड़े जाए के बाद कौन जरूरत है ट्रैक्टर निकाले के? तू अकरा के घर में लिए ला, कहला कि बाबूजी ई तो हर पुतो बा, तो हम मान ले रही। हम सब अकरे माया मोह के जाल में फंस गई दी। आज तू कहत रहा हम तलाक दे दे रही, तू का समझता रहा कि तोहरा कहे से वो यहाँ से चल जाए? ना जा यहाँ से। ट्रैक्टर हम निकाला था नहीं, तू चला। चाची तू मर जा, हमरा की पढ़ाई। बिटिया मेरा की दिमाग खराब हो गया बा, हमने हमने गांव के बानी जा, हमने की खाली शादी जानल जाला। बिटिया तलाक नहीं, मर जा बिटिया, मर जा बिटिया, मर जा बिटिया, बिटिया। ए भौजी, अरे हमार भैया तो ना समझ पड़े, लेकिन तू तो समझदार बाड़ू, तू ऐसा गलती काहे करताड़ू? मत जा भौजी, हमरे के छोड़ के मत जा। भौजी तू हमनी के भूल तो ना जाइबू? रहे दो भौजी, तू सहरिया हो भौजी, बहुत आसानी से सब कुछ तेज देबू। बाबा दी हले टी
से एयरपोर्ट खातिर बस मिली, वहां से जहाज पकड़ के चल लिया। जाने अनजाने कोनो गलती भइल होई तो माफ कर दिया। अब तक कम से कम हमरे सामने तरह को जब चाहत आ रहा कि हम सामने रही तो हमरा के तलाक काहे देला। अरे ये तो बोले लगल अब खड़ा होके हमार मुंह का ताकत आ रहा, जवाब काहे नहीं के देत, काहे छोड़ला हमरा के। हम कहा छोड़े के चाहत रही तोरा के, तू ही नाराल चाहत रहलू हमरा साथे। हम कब कहनी कि हम तोहरा साथे नहीं रहब? तो तू ही कब कहलू कि तू हमरा साथे रहबो? अच्छा सब कहल जरूरी बाका, हम बहू भाभी चाची देवरानी ई सब रिश्ता निभवनी ये तो तू देख लो, लेकिन हम पत्नी के फर्ज निभवनी ये तू नहीं देख लो, हमार प्यार नहीं देख लो तू? तू सच में हमसे प्यार कर लो? अब यकीन भाई? हाँ, लेकिन चुम्मा की जगह गलत रहे, चुम्मा लेने के बाद वो चीखे ना बोली। निरहुआ बाहर निकल, बहुत बड़का नाटक बाज मारा तू दूनो, बम्बई में ब्याह के नाटक कैला, यहाँ तलाक के नाटक कैला। अब हमार बात ध्यान से सुना, अब तू लोग के सही में ब्याह करे के पड़ी तब ही तू दूनो सुधरबा। बेचर चला, तोहन ये दोनों के ब्याह की तैयारी करा, खूब धूमधाम से अपन बेटा के ब्याह करब। ए जी का भाई, ये खटिया वा तनी हटा दी काहे? चरमराई तो? ओ, अरे चरमराई का आज तो तुरियो दिहल जी तो क्यों कुछ ना बोली। अरे तो खड़ा का बानी आई ना। अरे चा, ये तो टूट गई। गंगा जल की सॉरी उसके बाद तुरंत डाला बोलो नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अभी डिस्कशन गाड़ी में उतारा।
साथ काटेगा सर। अरे रे जीनी के लिए आप अपने टाइम में टर्न कर दीजिएगा। हाँ बस 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 ऐसे रखना बस बस।